ट्रेनिंग देती है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। जो साथी हाथ के शिल्प से जुड़े हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, खिलौने बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे हर साथी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। साथियों, कांग्रेस सरकार जब थी तब आदिवासी बच्चों का टीकाकरण भी बहुत कम होता था। आज मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का दायरा बहुत अधिक बढ़ा है। आज पीएम मातृवंदना योजना के माध्यम से गर्भवती बेटियों के लिए सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। शिवराज जी की सरकार भी लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एमपी की लाखों बहनों को मदद दे रहे हैं। आदिवासी परिवार की बहनों को भी विशेष सहायता दी जाती है। ये भी भाजपा सरकार ही है जिसने पहली बार सिकल सेल बीमारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस तो सिर्फ 7-8 वन उपजों पर ही समर्थन मूल्य देती थी। आज भाजपा सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर एमएसपी देती है। ये भाजपा सरकार है जो वन धन योजना लेकर आई है। आज एमपी की हजारों आदिवासी बहनें इस योजना की मदद से अपनी आय बढ़ा रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के नाम पर सिर्फ अपने लोगों की तिजोरी भरी है। भाजपा ने कपास हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, ऐसी फसलों का एमएसपी भी लागत का दोगुना दिया है। अब भाजपा सरकार मक्का सहित आपके मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। अब मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से दुनिया भर में बाजारों में पहुंचाने वाले हैं। यहां का अदरक आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत देश भर में पहुंच रहा है। बड़वानी के मिर्च किसानों को भी सही दाम और सही सम्मान भाजपा ही दे सकती है। मेरे परिवारजनों, आजादी से पहले बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। भाजपा सरकार अब इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। अगर यहां गलती से भी रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस को मौका मिला तो ये मुझे, जो दिल्ली से मैं मध्य प्रदेश के लिए काम करना चाहता हूं, वो यहां पर वो सारे रोड ब्लॉक कर देंगे, करने ही नहीं देंगे। मैं भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ऐसे लोगों को बीच में मत आने देना। मेरे परिवारजनों, चुनाव का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर बहुत परिश्रम कर रहा है। भाजपा के हर कार्यकर्ता वो मेरी ताकत है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसी समय मध्य प्रदेश में संगठन का काम मिला था। कई वर्षों तक मैं आपके सभी पूरे क्षेत्र में दौरा करता था। शायद ही कोई तहसील होगा कि जहां मैं गया नहीं हूं। तो मैं मध्य प्रदेश को भली भांति परिचित हूं, जानता हूं, और मैं यहां के कार्यकर्ताओं की ताकत को भी जानता हूं, यहां के संगठन की शक्ति को भी जानता हूं। कुशाभाऊ ठाकुर जैसे लोगों की तपस्या का परिणाम यहां पर है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत में कोई कमी नहीं करोगे। लेकिन इस बार मैं कहना चाहता हूं, मेरी बहनें भी हर बूथ में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जब काम कर रही, तो मुझे और गर्व होता है। बहनें जिस प्रकार से मैदान में उतरी है, बहनें जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, वो हिंदुस्तान की और हर पॉलिटिकल पार्टियों की ईर्ष्या आ रही है और इसलिए कांग्रेस की तो नींद ही उड़ गई है।
और बहनों को देखकर ही डर जाते हैं, उनको तो लगता है मोदी की फौज आ गई। कांग्रेस ने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी है। भले कांग्रेस दिखे या न दिखे, हमें तो घर घर जाना अपना कर्तव्य है, हर बूथ में कमल खिलाना अपना जिम्मेवारी है। करोगे? घर घर जाओगे? हर बूथ से कमल निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ कमल जीतेगा? एक भी बूथ हारेंगे नहीं? पक्का करेंगे? मां का नर्मदा के किनारे पर बैठे हैं, करोगे ना? पक्का करोगे? अच्छा, एक मेरा काम करना है, करोगे? क्यों भाई, आवाज दब गई? मेरा काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा निजी काम है, और आप सबकी मदद मिलेगी तभी पूरा होगा। करोगे? सच्चे मन से करोगे? जी जान के करोगे? पूरी मेहनत करोगे? ये चुनाव का काम नहीं है तो भी करोगे? मोदी के लिए करोगे? अच्छा, तो देखिए काम मैं बताता हूं। बताओ, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। बताओ, करेंगे ना? जरा आपका मोबाइल फोन की लाइट चालू करो, मैं देखूं कितने लोग कहते करेंगे। जरा मुझे बताइए, आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। चालू रखिए, सब लोग चालू रखिए। मुझे बताइए, आप लोग करेंगे? आप लोग करेंगे? अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए बराबर। शाबाश, दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए काम क्या करना है, मैं बताता हूं। घर घर जाना है, जाओगे? घर घर जाना है, जाओगे? और जाकर के कहना, अपने मोदी जी बड़वानी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। ये इतनी मेरी बात पहुंचा देंगे, ये सबको बता देंगे। देखिए, आप जब मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे ना, तो हर कोई मुझे आशीर्वाद देगा, और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा,